विक्रम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार क्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अंतःग्रहण। सही है। भारत भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? क्रमांकुंचन गति। सही है। निम्न में कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? वाहिकोष। सही है। लार में डैश एंजाइम होता है? टाइलिन। सही है। एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है? लार में। सही है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को प्रवर्तित कर दिया जाता है? ग्लूकोज। सही है। पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है? पायसीकरण। सही है। अग्नाशी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन। सही है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है? वसा का पायसीकरण। सही है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं? रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। सही है। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत। हाँ, वो क्या होगा? सेलुलोस। सही है। मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है? ग्रसनी। सही है। यकृत डैश का कार्य करता है? पाचन का। सही है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? गर्भाशय। सही है। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं? गले में उपास्थि। बिल्कुल सही। लार ग्रंथि में लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? एमाइलेज। सही है। मानव पाचन तंत्र में डैश से पीत रस का स्रोत होता है? यकृत। सही है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। सही है। एंजाइम है? एक प्रकार का प्रोटीन। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने की को प्रेरित करता है? ऑप्शन। जाइमेज, माल्टेज, डाइस्टेज, इनोवर्टेज। जाइमेज। सही है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? एंजाइम। सही है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया। सही है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम में ऑप्शन। ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिन, टाइलिन। पेप्सिन। सही है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है? प्रोटीन का पाचन वही ट्रिप्सिन। सही है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है? जाइमेज। गलत हो गया, एमाइलेज होगा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से। सही है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? रेनिन। बिल्कुल सही है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। सही है। निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। सही है। पित्त जमा होता है? पित्ताशय में। सही है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ऑप्शन। स्टार्च को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। सही है। मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? पूछ। पूछ। ऑप्शन। बृहदान्त्र और वृद्रांत। वृद्रांत। सही है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ऑप्शन। फल,
सब्जियां, मिठाई, पनीर। पनीर सही है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। बिल्कुल सही है। तो आज का समाप्त हुआ, मिलेंगे कल। थैंक यू।